अस्सलामुअलैकुम, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ ऐसे ही मैनेज कर लें। ये वाला दुपट्टा मुझे रिक्रिएट करना था, लेकिन थोड़ा अपने स्टाइल में और थोड़ा अपने कलर्स में। तो मैंने सारी चीज़ें दराज से मंगवाई थी और उसकी मैं एक अलग से डिटेल वीडियो पोस्ट कर दूँगी। और मैंने इसको बनाना शुरू किया था, फ्रेम और कलर्स और ब्रशेस एवरीथिंग मैंने दराज से ही मंगवाई थी। और बाइंडर इसमें एक ऐड होता है, वो भी दराज से मिल जाता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग दराज से ही मंगवाया और मैंने अपना दुपट्टा बनाना शुरू किया। बहुत ही ज़्यादा ये लंबा प्रोसेस था, क्योंकि मेरा दुपट्टा लंबा भी था और मुझे 4 कॉर्नर्स भी उसके फिल करने थे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और साथ में ना बड़े वाले बंचेस बनाने थे दुपट्टे के अंदर। मैंने हालांकि बंचेस जो थे अपने काफ़ी कम कर लिए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि काफ़ी हैवी हो जाएगा, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से काफ़ी हैवी है। और ये जो सारा काम है ये सुई से मैंने खुद किया, और एक एक चीज़ मैंने एक एक मोती खुद लगाया और नहायती सफाई से लगाने की कोशिश की है, यू कैन सी। और अच्छा, जो उसमें काम है उसमें दबके का भी है। इसमें मैंने दबका लिया था, छोटे वाले सीक्वेंस लिए थे, पर्ल्स लिए थे, फ्लावर्स लिए थे, एंड दैट्स इट। और ये वाले वो बंचेस थे जो मैं बनाना चाह रही थी, इनके जो कॉर्नर्स थे, कॉर्नर्स थी, साइड्स थी, उसके ऊपर एक एक क्या कहते हैं पैटल था ग्रीन कलर में। और ये मैं बना रही हूँ, काफ़ी देर लग गई थी, लिटरली काफ़ी देर लग गई थी, मतलब और थक जाता बंदा। मतलब बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। और जो आप हमें लग रहा होता है ना कि हाँ ये 25,000 का दुपट्टा दे रहे हैं, 20,000 का दुपट्टा दे रहे हैं, लिटरली वो उतने का ही बन रहा होता है। मटेरियल भी महंगा है, मतलब सब कुछ महंगा है। अच्छा, मैंने एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, उसमें आप जिस तरह का कहेंगे मैं आपको उस तरह का दुपट्टा कस्टमाइज़ कर दूँगी। और जितने में कहेंगे आप अपने मुझे अमाउंट भी बता सकते हैं और दुपट्टा दिखा सकते हैं कि इस तरह का दुपट्टा इतनी अमाउंट में कस्टमाइज़ करना है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। मतलब मैं आपको बता दूँगी कि हो सकता है और किस तरह से हो सकता है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसके नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये मैं आपको अपनी नीटनेस दिखा रही हूँ कि किस कदर ये नीट लग रहा है। मैंने अपनी पूरी सफाई से इस काम को करने की कोशिश की है। अच्छा, ये कॉर्नर्स पे ना मैंने जो छोटे वाले पल्लू थे उस पर लेस ऐड की थी, सीक्वेंस लेस, और जो बड़े वाले थे उस पर नहीं की। तो अब मैं सोच रही हूँ बड़े वालों पे भी कर दूँ, और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मुझे करनी चाहिए या नहीं। तो बस यही वीडियो दिखानी थी, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।